गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यानी कि पीबीआर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे जीरो लेवल मैथ का 11वां भाग, जिसमें हम देखेंगे दशमलव में भाग करना, मतलब वो संख्याएं जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो उनको दशमलव तक भाग कैसे ले जाते हैं, यानी अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो तब भी हम उन्हें कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से डिवाइड यानी कि भाग कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हमारी आप सभी से एक प्रार्थना है, कृपया इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, कम से कम 3 दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दशमलव में भाग करना कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि अगर हमने आपको दे दिया एक क्वेश्चन नंबर 1 और ये है 10/3 का मान होगा, ऑप्शन आपके सामने होंगे 3.25, ये दशमलव है, तो इसको कैसे करते हैं यही चीज इसमें हम देखने वाले हैं। सिंपली हम लोग ऐसे बना लेते हैं, जिससे भाग करना है आगे लिखते हैं, जिसमें भाग करना है उसको बीच में लिखते हैं। तो जिससे भाग करते हैं उसको भाजक, जिसमें भाग जाता है उसको भाज्य, और जो ऊपर जाता है यानी भागफल कोएफिशिएंट कहलाता है। ये 3 बार जाएगा, 9 घटा लेंगे 1 आएगा। अब देखिए, 1 शेष पर आगे इसमें भाग नहीं जाना, फिर क्या करेंगे हम, अब भाग नहीं जाएगा तो ऊपर सिंपल में एक डेसिमल बढ़ाते हैं दशमलव, यहाँ पे उतारते हैं 0, अब फिर भाग 3 बार जाएगा और 9 फिर से 1 आ गया। अब फिर से ऊपर दशमलव बढ़ना है, 0 उतारे, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, दशमलव केवल 1 बार बढ़ता है, बार बार 0 आप उतार सकते हैं, समझ में आया ना। तो अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 0 आप खुद उतार लेंगे, तो फिर 3 बार जाएगा, 9 फिर 1 आ गया, फिर आप 0 उतार सकते हैं यहाँ पे अपने से, फिर 3 बार जाएगा, 9 और फिर 1 आ गया। भाई आप बार बार 0 तो उतार सकते हैं, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं, ऐसे ऐसे जाएगा ये अल्फा लग, मतलब क्या होगा, डायरेक्ट ये चला जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यू ये कटेगा नहीं। तो मतलब इसे आप लिख सकते हैं 3.332 अंक तक अगर लिखे तो, या फिर 3.3 पे बार लगा देंगे राइट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है बी वाला सही हो जाएगा, सभी लोग समझ गए ना। ये दशमलव में भाग ले जाना होता है, बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। तो ये जीरो लेवल मैथ की क्लास है, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा देखिएगा, दूसरे में अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की इसी तरह से, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और गौर करिएगा बातों को हमारी। तो आप देखेंगे अगर कहीं आपको भाग करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, जो कि है 37 का भाग करना है इसमें 2 का, कितना आएगा, कैसे करेंगे, सिंपल में ऐसे बनाएंगे, जिसमें भाग करना है अंदर में लिखेंगे, जिससे भाग करना है बाहर लिखेंगे। 2 का पहाड़ा सभी को आता होगा, सबसे पहले हम 1 अंक का ये है, तो इसमें 1 अंक में भाग ले जाएंगे, पूरे 37 में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 2 × 2 घटा लेंगे 1 आ गया। अब 2 का भाग 1 में नहीं होगा तो ऊपर से 7 उतार लेंगे, तो 7 उतार लेंगे तो 2×8 = 16 हो जाएगा, और फिर घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें इसका भाग नहीं जाएगा 1 का, बचा क्या, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, उत्तर में डेसिमल मिलाना है, अब ऊपर दशमलव बना सकते हैं, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 2 का भाग 5 बार, 2×5 = 10, इस तरह से आपने देखा ये खत्म हो गया। ऊपर कितना आया, 18.5, कितना आया 18.5, ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आया ना भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर तनिक भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, समझ गए ना। एक एग्जांपल अगर और हम आपको देते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, पक्का समझ जाएंगे, एकदम कंफर्म।
तो ये होता है दशमलव में भाग करना। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आज से ही आपको टेंशन को छोड़ देना है और टेंशन मुक्त होकर के पीबीआर स्टडी के साथ जुड़ रहे, आपको मैथ आएगा, ये हमारी गारंटी है और आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आपसे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर फाइव कौन सा है। अगर मैं बात करूं 21 में 2 का भाग करना है, इसका मान क्या होगा? 10.57, 10.5, 10.85। बहुत ही आसान है ये, कितना आएगा? सिंपल सी बात है, देखिए जिन लोगों को नहीं आता उन्हीं लोगों के लिए इसको बता रहा हूँ भाई। जीरो लेवल मैथ है, तो 2 का भाग एक बार ही हो गया, तो ये घट गया, अब क्या होगा? एक लिख लेंगे, अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे ना, कुछ गड़बड़ है लग रहा है। क्यों भाई? 2 एकम 2 खत्म हो गया, हमने उतारा एक, अब जब एक उतार लिया तो क्या करेंगे? अब इसमें भाग नहीं जाएगा ना, एक में भाग तो नहीं जाएगा ना, लेकिन 0 बार तो जा सकता है भाई, तो 0 बार ले जाएंगे, 0 एक आया, अब ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 उतार लेंगे, देखिए यहाँ पे 0 उतार लेंगे और कितना हो जाएगा? 5 10। समझिएगा, आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, 10.5 आएगा, लेकिन कैसे? अभी देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा था ना, 10.50 भी वाला ऑप्शन सही है। देखिए भी कुछ गड़बड़ क्या हो रहा था, कुछ लोग जो गड़बड़ कर जाते हैं ध्यान दीजिएगा, वो कैसे करते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 का भाग करना है 21 में, तो 2 एकम 2 इतना कर लेते हैं, एक घटा लिए खत्म हो गया, अब बचा एक, एक उतार लेते हैं। अब लोग सोचते हैं कि 2 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे, और वो लोग क्या करते हैं? दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेते हैं, फिर इसमें 5 बार भाग चला जाता है, ये 10 हो गया, घटा दिए कट गया, ऐसे हो जाता है, लेकिन क्या है सही है? गलत है। भाग देने के बाद आपको ये गुणा करना है भागफल का भाजक में, अगर ये भाग ज्यादा है तो सही, नहीं तो गलत है। आप देख रहे हैं 1.5 आ रहा है, लेकिन 1.5 आ रहा है, 1.5 दूना क्या होगा? 3 होगा, 21 कम आएगा, नहीं आएगा ना, लेकिन अगर ये 10.5 होगा और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 21 आ जाएगा। कैसे? ये सूत्र होता है ना भाई, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष, मतलब समझिएगा, तो भाज कितना है 21, भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 1.5, शेष कितना है 0, इस तरह से आप गुणा करेंगे तो 21 बराबर ये 3 आएगा। ठीक है, जो कि गलत है, दोनों बराबर आना चाहिए, तो क्या करेंगे? वही जो पहले आंसर आया था वही राइट है, यानी कि यहां पर हम क्या रखेंगे? भाजक तो 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 से भाग किए थे तो, और थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ध्यान दीजिएगा, भाजक 2 था तो 2 ही रहेगा, भागफल जो है ये 10.5 आएगा। ठीक है, तो ये 10.5 जब इसमें आप 2 का गुणा कर लेंगे तो ये 21 बराबर ये 21 हो जाएगा, जो कि बराबर है इसलिए सही है, समझ में आया ना? तो कभी कभी भाग करने के बाद अपना सिंपल सा माइंड भी लगाना होता है, कॉमन सेंस, नहीं तो ऐसे सवाल गलत हो जाता है। क्लियर ना? उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, ये वीडियो क्लास जो है भाई 10 मिनट की लगभग हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी लाइव क्लास प्रत्येक दिन सुबह 6 से 7, 7 से 8 होती है, तो आप लोग उसे जरूर अटेंड किया करें, और प्रत्येक सुबह 5 बजे आपको एक वीडियो मिलता है छोटा सा, इसे भी देख लिया करें। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट भाग में नंबर 12 पार्ट में दशमलव का सिंपल में जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये सभी नंबर आप लोग नोट कर लें, आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। 24x7 यहाँ पे आप 33 भी कर सकते हैं, बाकी के नंबर वही एक समान है। ठीक है, 2 नंबर है ये 2 नंबर है, सेम टू सेम सब रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा बस। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लें। इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, अपना गणित से संबंधित कोई भी सवाल आप हमें pbrstudy@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं राजकुमार रघुवंशी, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। pbrstudy फैमिली 6 नवंबर 2018 यानी कि छोटी दीपावली के दिन तक 24,124 की हो चुकी है, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।